करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, किसको राजनीति में उच्च पद मिलेगा, कौन पुलिस सेना में जाएगा, कौन पुलिस में जाएगा, कौन सेना में जाएगा, किसको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, किसको माता पिता का सुख मिलेगा, आज आपकी माली हालत कैसी होगी और कौन सा अंक के प्रयोग करने से आपको भाग्योदय होगा, किस रंग का प्रयोग करने से आश्चर्यजनक तरीके से भाग्य में परिवर्तन होगा, सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, सारी बातें बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि की जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि अपने मित्रों एवं पारिवारिक संबंधियों के साथ अपने रिश्तों को मधुर बनाए रखना आपके लिए हितकर रहेगा और इसके लिए आज आपको पहल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप दोनों के रिश्तों में सुधार होने की संभावना बन रही है। दुश्मनों को आसानी से मात दे पाने में आज आप कामयाब रहेंगे। बच्चों को लेकर कुछ दिक्कतों का, कुछ संघर्षों का आज आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखें आप उनके साथ जो व्यवहार है प्यार से पेश आवें, व्यवहार ठीक रखें, गुस्सा न करें, एग्रेशन में ना आवें। प्रेम के जीवन में आपका सब कुछ अच्छा है और वहीं पेशेवर लाइफ में भी उन्नति दिख रही है। माली हालत अच्छी होगी, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, भाइयों का सुख मिलेगा और नए तरह के कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, कटु भाषा बोलने से बचना है, मधुर भाषा का प्रयोग करें। उपाय क्या करना है, आज लाल वस्तु का दान करें और हनुमान जी की आराधना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। जो वृषभ राशि के लोग हैं, आज आप पर खुशी और समृद्धि की बारिश होगी। यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी बचत में इजाफा होगा, प्रगति होगी, माली हालत सशक्त होगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए यह समय अधिक फायदे होने वाला है। उन्हें उनके टैलेंट के लिए सराहा जाएगा। आपके अंदर जो टैलेंट है आपकी सराहना होगी, लोगों में आपकी एक पहचान बनेगी, आपकी किस्मत चमकेगी, धन का आगमन होगा, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी आज आपकी खूब छनेगी, संबंधों में सुधार आएगा, माली हालत सशक्त होगी, दूर देश की यात्रा होगी, आयात निर्यात से धन मिलने की संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है, अपने फैमिली को इग्नोर न करें, परिवार में समय दें, परिवार के प्रति कंसर्न रखें। उपाय क्या करना है, आज भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग है आसमानी, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि की जातक हैं, आज आपको अपने समय पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। भाग्य अनुकूल है, भाग्य से सारा कार्य संपन्न होगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहने के बावजूद भी आपका खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चे पर कंट्रोल करने की जरूरत है। इससे आपकी बचत भी प्रभावित होगी, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, इसमें आज आपको फायदा मिलने की संभावना बन रही है। आज आपके प्रशासनिक कार्यों में उम्दा प्रदर्शन करेंगे। योजना बनाते समय अनुभवी लोगों से, जो बड़े लोग हैं उनका सलाह लें, सेकंड थर्ड एडवाइस जरूर लें। इस बात का ध्यान रखें कि अपनी टीम के सदस्यों के साथ तल्ख भरी बातें, गुस्से भरी बातें न करें, इससे आपकी छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा, आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो सकती है। तो अपने संबंधों का पूरा पूरा ध्यान रखें, सावधानी क्या बरतनी है, भाषा का ध्यान रखें। उपाय क्या करना, गाय को गुड़ एवं रोटी खिलाना हितकर रहेगा, गर्मी का मौसम है, चिड़िया को दाना पानी जरूर खिलावें। शुभ अंक 6, शुभ रंग है सिग्रीन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि की जातक हैं, आज आपको अपने कार्य में कुछ बाधाएं सामने आते हुए नजर आएंगी, लेकिन इस दौरान अपनी क्षमता से भी अधिक कार्य करेंगे। कार्य को लेकर आप इस समय कहीं अन्य शहर बेशिफ्ट भी करने का प्लान कर सकते हैं और शिफ्ट करने की जो प्लानिंग है वो सफल भी हो सकती है। आपके द्वारा किए गए पिछले कर्मों का फल भोगने का यह अच्छा समय है। आपकी सभी छोटी मोटी योजनाएं सफल साबित होंगी। आपके लिए शुभ समय चल रहा है। आपकी सफलता में कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सावधानी क्या बरतनी है, परिश्रम से पीछे ना हटें, खूब परिश्रम करिए, लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है, सफेद चीजों का दान करें आप। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 9। हरे कृष्ण।
बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपके रिश्ते बुद्धिजीवी लोगों से स्थापित होंगे। जो बुद्धिमान लोग हैं उनसे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आप अपनी वचनबद्धता को सुधारने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। जो समय देंगे उस पर खरे उतरेंगे। जरूरतमंदों को दान करें, इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आपसे कोई पिछली चोट के नाते जो पिछला चोट लगा आपको, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। हेल्थ वेल्थ में सुधार होगा। किसी फसाद आदि में न पड़े। अपने पिताजी का पूरा पूरा सम्मान दें। उनसे किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद न करें। कुछ नकारात्मक ख्याल आपके के दिलो दिमाग में घर कर सकता है। ऐसे में आप कोशिश आपके ही रहनी चाहिए कि उन ख्यालों को अपने ऊपर प्रभावी न होने दें। संबंधों की कीमत को समझें, संबंधों को बचावें और अपनी पूरी कंसर्न परिवार के प्रति रखें। बड़ों का सम्मान करें, किसी से तल्ख भरी बातें न करें। सावधानी क्या बरतनी है, नकारात्मक सोच से बचें। उपाय क्या करना है, समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान सूर्य देव की आराधना करें। इससे आपका भ्रम भी दूर होगा। कैसे करेंगे भगवान सूर्य की पूजा, ओम घृणी सूर्यान्वेष मंत्र का जप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल तांबे के पात्र ले लीजिए, उसमें फूल लाल ले लीजिए और चावल को लाल रंग में रंग लीजिए। केसर और रोली डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको को मिला जुला परिणाम प्राप्त होंगे। करियर बनाने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करें। अपनी आंतरिक शक्ति का अवलोकन करने की जरूरत है। दुश्मन आज आपको हानि पहुंचाने की पूरी पूरी चेष्टा में, फिराक में है। जैसे मौका मिलेगा आपको कोशिश करेगा हानि पहुंचाने की। खुश रहें, किस्मत के सितारे बुलंद हैं। यदि आप जाप बदलने का मन बना रहे हैं तो इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठावें। आपके जाप में परिवर्तन का योग बन रहा है। जाप से संबंधित सभी मसलों को सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि बाद में आपको इसे पूरा करने में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं। तो समय का सदुपयोग करिए और इसका लाभ उठावें। सावधानी क्या बरतनी है, आप अपनी गोपनीयता बरतें। उपाय क्या करना है, एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगे और इससे बेहद प्रभावशाली परिणाम आपको देखने का मिलेगा। और ये जो रुद्राक्ष है काफी अच्छा माना जाता है। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है वेजिटेबल कलर, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज छात्रों के लिए सुखद रहेगा। जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अनुकूल चल रहा है। आज आपको तकनीकी क्षेत्र से जुड़े छात्रों को सहयोग मिलेगा। आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हो सकता है कि विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति से आपकी मित्रता हो जाए और आप आगे बढ़ें, वहां से आपको सहयोग मिले। हालांकि ये वक्त पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा मनमुटाव आ सकता है, खटास आ सकता है, संबंधों में थोड़ी सी तलखियाँ आ सकती हैं। अगर आप किसी रिश्तेदार या दोस्तों से मुलाकात करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही छोटी दूरी की यात्रा भी संभावित है। परेशानियां दूर होंगी, पत्नी का सुख मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। द्रुतगति की गाड़ी न चलावें, पुराने मित्र मिलेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, विवादित कार्यों से दूर रहें। उपाय क्या करना है, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है आसमानी, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ग्रहों का चाल है वो आपके हिसाब से चल रहा है, किंतु ध्यान रखना है कि पिता पुत्र के रिश्तों के लिए थोड़ा सा कड़वाहट हो सकते हैं। संबंधों में वाद विवाद हो सकता है, तो आप मध्यम मार्ग अपनाएं। बड़ों का सम्मान करें और कुछ अनचाही घटना घट सकती है। सफलता पाने के लिए आज आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आज पिता के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करिए। जब रिश्ते सुधरेंगे तो आपकी माली हालत अच्छी होगी, परेशानियां दूर होंगी। पिता के नेतृत्व में कार्य करिए। पिता के सहयोग से आज आपको काफी लाभ मिलेगा। आज पत्नी और माँ के रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है, उसमें इक्विलिब्रियम पैदा करिए। इक्विलिब्रियम रखना ज्यादा अच्छा रखता है। दोनों के संबंधों में अगर आप सामंजस्य स्थापित रखते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। माता और पत्नी दोनों के बीच में संबंधों को सुधारिए और बीच में आप न पड़े।
कोशिश करिए कि दोनों से रिश्ते अच्छे हों, और दोनों में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसमें आप समझौता करावें, और अगर आपकी गलती न भी हो फिर भी क्षमा याचना करते हुए संबंधों में सुधार करने की कोशिश करिए। आपके संबंध सुधरेंगे, माली हालत अच्छी होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। सावधानी क्या बरतनी है? शेयर में पूंजी निवेश करने से बचें। उपाय क्या करना है? बूंदी के लड्डू हनुमान जी को प्रसाद के रूप में अर्पित करके वितरण करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि वाले जातक हैं उनके लिए आज का दिन कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है, कुछ परेशानियां भरी हो सकती है। आज आपको कठिन परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी जॉब बदलने के बारे में सोच सकते हैं, आपके जॉब में परिवर्तन हो सकता है। लंबी योजना बनाने के लिए यह वक्त बेहद शुभ और अच्छा है। आपकी गंभीरता, जुनून और महत्वाकांक्षा से आज आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए दिख रही है। दांपत्य जीवन में मतभेद पैदा हो सकता है, लेकिन दांपत्य जीवन में सुधार करें, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद अच्छा समय है, वह संबंध शादी में कन्वर्ट हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है? खान पान पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है? ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं आज जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके पक्ष में सारा फैसला होगा। आज आपका समय अच्छा चल रहा है, जो भी परेशानियां दूर होंगी, अच्छा समय चल रहा, अच्छा कार्य होगा। आप नए दोस्त बनाएंगे और ये दोस्त जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करेंगे और मददगार साबित होंगे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है, यात्रा का योग भी बन रहा है। आज परिवार के साथ साथ किसी तीर्थ स्थान पर आप यात्रा कर सकते हैं। अपने खास चाहने वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। बच्चे आपको मुस्कुराने की कई वजह हो सकते हैं, बच्चों की सफलता से मन खुश रहेगा। आपको अपनी सहिष्णुता और धैर्य का इम्तहान भी देना पड़ सकता है। सावधानी क्या बरतनी है? अज्ञात व्यक्ति से कोई भी व्यापार लेन देन न करें। उपाय क्या करना है? सरसों के तेल का दान करें। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन अप्रत्याशित रूप से सफलता और लाभ का वाहक बनेगा। आपके लिए बहुत अच्छा दिन चल रहा है। भाग्य से सारे कार्य आज आपके संपन्न होंगे। काम काज और व्यवसाय के अलावा आपको परिवार में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कई तरह की परेशानियां आ सकती है। चाहे जो भी हो, शांति और समझदारी से काम लें, धैर्य से काम लें, आपको सफलता मिलेगी, परेशानियां दूर होंगी, जिससे आपको इन मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। तीर्थ स्थान पर जाने का अवसर मिलेगा और कई परेशानियां दूर होंगी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइन से धन लाभ मिलेगा। पेट्रोलियम के क्षेत्र में अगर व्यापार करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। सावधानी क्या बरतनी है? साझेदारी में व्यापार न करें। उपाय क्या करना? आज बजरंग बाण का पाठ करें, सरसों का तेल दान करें। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं आज आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा, इसलिए बेहतर करने की कोशिश करें और अपने कार्य में जो आपके वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, जो आपके गुरु हैं, उनको पूरी प्रभावित करें। आपकी योग्यता और क्षमता से आपके सीनियर्स प्रभावित होंगे। आज आपको एक्स्ट्रा करिकुलर से धन लाभ होगा। कला संगीत और साहित्य में रुचि आपकी बढ़ेगी। अपनी छवि को लेकर के सचेत रहें, क्योंकि कोई आप पर गलत आरोप लगाने की कोशिश कर सकता है, आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मसलों को लेकर के आज आपकी मन स्थिति और स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, बेवजह यात्रा न करें। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े मामले हल होंगे। अगर कोई परेशानियां चल रही होगी तो उसका समाधान होगा। महिला मित्र का सहयोग मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है? अपनी इंटीग्रिटी को लेकर के सचेत रहें। उपाय क्या करना है? देव गुरु बृहस्पति ग्रह के हानिकर प्रभावों को काबू में पाने के लिए बृहस्पति देव की आराधना करें, पीली वस्तुओं का दान करें और हर बृहस्पतिवार को मंदिर में पीला कपड़ा दान करें और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण।